डियर स्टूडेंट्स, मैं आज से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। और इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ाऊँगा, फिलहाल क्या पढ़ाने वाले हैं हम लोग, क्या सीखने वाले हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अल्टीमेटली हम लोग पढ़ेंगे क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अल्टीमेटली हम लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे वो चीज़ें इर्द गिर्द घूमती है प्राइस के। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो उसमें जो सबसे मेन फैक्टर है वो प्राइस है। क्योंकि यदि कोई भी चीज़ यदि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको मार्केट में ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, तो दो ही मेन पार्टी है मार्केट की। एक तो है कंज्यूमर। कौन है? कंज्यूमर, जो चीज़ें कंज्यूम करता है। और दूसरा कौन है? दूसरा है प्रोड्यूसर, जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है। जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा, यानी कि वो चीज़ें खरीदेगा भी सही, और खरीदने को खरीदने की जो इच्छा है उसको हम बोलते हैं डिमांड। क्या बोलते हैं? डिमांड। डिमांड इट मीन्स विलिंगनेस टू बाय। और बेचने की जो इच्छा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? सप्लाई। अब ऑब्वियस सी बात है, जो खरीदने की इच्छा है वो कम कीमत पर ज़्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? कम कीमत पर ज़्यादा होगी ऑलवेज। जैसे आप देखो, आप कोई भी चीज़ सस्ती मिल रही है तो बोले ज़्यादा ले देते हैं। ऐसे प्याज 10 रुपये किलो मिल रहा है तो बोले कि 5 किलो ले देते हैं। लेकिन वही प्याज जब 50 रुपये किलो होगा तो बोलेंगे 1 किलो से काम चल जाएगा, अभी बाद में ज़्यादा ले लेंगे। ऐसा होता है ना। इट मीन्स ये हुआ कि जो कंज्यूमर है इसका अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, और वो पर्टिकुलर बिहेवियर क्या है? वो पर्टिकुलर बिहेवियर ये है कि ये प्राइस के साथ में कैसे चलता है, प्राइस के साथ में कैसे चलता है, प्राइस के जस्ट अपोजिट चलता है। क्या चलता है? प्राइस के जस्ट अपोजिट। यानी कि जैसे आप प्राइस आप बढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही है, कोई चीज़ की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो उसकी क्वांटिटी क्या होना चाहिए, डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि पहले 10 रुपये प्राइस थी तो मान लो कि 50 क्वांटिटी खरीद रहा था, 20 रुपये प्राइस हो गई तो हो सकता है कि कम खरीदेगा, 30 रुपये प्राइस हो गई तो और कम खरीदेगा, और ज़्यादा प्राइस बढ़ गई तो और कम खरीदेगा। आई मीन टू से कि प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। ठीक है, छाछ बनाना जैसा रिलेशन है इसमें। कैसा है? नेगेटिव रिलेशन। ठीक, अब इसी बात को यदि मैंने ग्राफ पर प्लॉट करें, इसी बात को यदि मैंने ग्राफ पर प्लॉट करें तो देखिए, आप ग्राफ देखिए, 10, 20, 30, 40 है ना। एग्जैक्ट में ग्राफ पर मत जाना आप लोग। मान लो इस साइड क्वांटिटी है, इस साइड प्राइस है, इधर भी ये होगा 10, 20, 30, 30 है ना, 40, 50। ठीक है, जब 10 रुपये प्राइस है तब क्वांटिटी कितनी है? 50 है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे लगा। जब 20 रुपये प्राइस है तब क्वांटिटी कितनी है? 40 है। जब 30 रुपये प्राइस तब क्वांटिटी कितनी है? 30। जब 40 रुपये प्राइस तब क्वांटिटी कितनी है? 20। देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट, यानी कि आप एक कर्व बनाएंगे तो अल्टीमेटली कर्व कैसा बनेगा? कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। कौन सा कर्व बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये सारी बातें आप लोग डिटेल्ड में समझेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जब हम कंज्यूमर के बारे में जानेंगे तो हमें पता चलेगी कि डिमांड क्या होता है, और डिमांड क्या होता है और डिमांड का नेचर कैसा होता है, ये डिटेल में सारी चीज़ें आएगी। लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ एक कंक्लूजन दे रहा हूँ कि आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि डिमांड का नेचर कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक, इसी टाइप से सप्लाई का भी हुआ होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो क्या चाहेगा? वो ये चाहेगा कि मेरी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में, मेरी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में बिके। जैसे मान लो आज एक किसान है, किसान क्या चाहेगा? वो उसकी फसल कब बेचना चाहेगा? जब प्राइस ज़्यादा हो। कम प्राइस पे वो क्या चाहेगा? बेचना नहीं चाहेगा, मजबूरी बेचना पड़ा अलग बात है, लेकिन वो बेचने की इच्छा उसकी कम रहेगी। ज़्यादा प्राइस पे बेचने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। जस्ट जो
कंज्यूमर है उसका जस्ट अपोजिट जो सोच है वो रहेगी किसकी? सप्लायर की। सप्लायर है, प्रोड्यूसर है। तो सप्लाई का नेचर कैसा होना चाहिए? सप्लाई का नेचर ऐसा होना चाहिए कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है, 10, 20, 30, 40 प्राइस बढ़ रही है, तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, 10, 20, 30, 40। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ खाली, ये कि ये बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ रही है। अब इसी को यदि आप एक ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो ऐसा कर्व बनेगा। हम डिटेल पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि क्यों बन रहा है ऐसा। इस टाइप का अपवर्ड साइड वगैरह क्लोवर बनेगा। ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे कब? ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे इसकी जो नेक्स्ट यूनिट है उनमें पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या आता है, कॉस्ट क्या आता है, रेवेन्यू क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। और अल्टीमेटली आपको एक चीज़ जाके पता चलेगी कि सप्लाई का नेचर कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। और डिमांड का नेचर कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई का नेचर कैसा होता है? अपवर्ड। और डिमांड का क्या होता है? डाउनवर्ड। और ये जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो जाते हैं उसको बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। ये आपका लास्ट यूनिट होगी। मैं अभी आपको कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और यहीं पर ही क्या हो जाती है? मार्केट प्राइस तय हो जाती है। क्या तय हो जाती है? मार्केट प्राइस तय हो जाती है। तो जो आपकी लास्ट यूनिट है वो इस बारे में रहेगी कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट। इसके अलावा आपका जो लास्ट यूनिट रहेगी वो इस बारे में रहेगी कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। तो अल्टीमेटली ये जो सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, वो नाम है प्राइस थ्योरी। क्या नाम दे सकते हैं? प्राइस थ्योरी नाम भी दे सकते हैं। क्यों प्राइस थ्योरी नाम दे सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं इसमें कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, डिमांड के बारे में। और डिमांड के बारे में पता है सब सब जान करके हमने अल्टीमेटली जाना क्या कि डिमांड ऐसी होती है, डिमांड ऐसी होती है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में, कॉस्ट के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। और अल्टीमेटली हमने क्या पाया कि सप्लाई जो होती है उसका उसका नेचर कैसा होता है? ऐसा। और लास्ट में हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जहां ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वहां पर मार्केट में प्राइस तय हो जाती है। और ये ऐसा कोई कहीं पर भी हम मार्केट में जाते हैं तो कोई ग्राफ बनाओ दिखता है क्या कि आलू की प्राइस यहाँ तय हो गई? ये सब क्या है? ये साइकोलॉजिकली आपको उसको मतलब समझाने के लिए ये सब चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है। ये सारे क्या है? साइकोलॉजिकल गेम है। अब मैं आपको बताऊं कि ये सब्जेक्ट, ये पढ़ने में आपको फायदा क्या? ये पढ़ने में आपको फायदा इसलिए है माय डियर कि दुनिया में जितने भी तरीके के मार्केट है वो आज जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब के सब एक ही चीज की वजह से मतलब पैसे कमा पा रहे हैं या गमा पा रहे हैं। और वो चीज क्या है? प्राइस। मैं आपको बताता हूं, जैसे आज मान लीजिए आपने शेयर मार्केट का सुना ही होगा। आज आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये में खरीदा है ना, आपका अनुमान है कि वो शेयर जो है वो 120 रुपये रेट हो जाएगा उसका 10 दिन, पता नहीं जो भी आपका एक महीने का अनुमान लगाया आपने। और वो शेयर जो है आपने मान लो 100 रुपये के कितने शेयर खरीदे थे? 100 शेयर, मतलब कितने 10,000 रुपये लगाए थे आपने। और 120 रुपये रेट हो भी गया तो कितने रुपये कम हो जाएंगे? वो 12,000 रुपये हो जाएंगे। यानी कि आपने 10 की जगह 10 के चीज के वो 12 में बेच देंगे आप, यानी कि 2,000 रुपये कमा लेंगे आप। जैसा आपने सोचा ऐसा हुआ तब तो आप 2,000 रुपये कमाएंगे। जैसा आपने सोचा उसका उल्टा हो गया, पता चले और जो 100 रुपये के शेयर थे वो 80 रुपये के ही हो गए, 2,000 रुपये और उल्टा क्या हो जाएगा? आपको लॉस हो जाएगा, राइट है। तो व्यक्ति शेयर मार्केट में कौन कौन दमदारी के साथ रह पाएगा?
जिसको प्राइस का आइडिया ज्यादा होगा, जो अच्छी फोरकास्टिंग कर पाएगा, जो अच्छी फोरकास्टिंग कर पाएगा, जो अनुमान सही लगा पाएगा। अब आपको प्राइस के बारे में अनुमान लगाना है तो प्राइस को, प्राइस कैसे तय हो रही है इसकी बारीकी में आपको जाना पड़ेगा, इसकी डिटेल्ड में आपको जाना पड़ेगा। डिटेल आप में जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई प्राइस और डिमांड कैसे तय हो रही है, प्राइस तय कैसे हो रही है। तो आप क्या है, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। डिमांड बढ़ी तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सप्लाई बढ़ी तो प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों बढ़ रहे तो क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए। सप्लाई से डिमांड थोड़ी ज़्यादा है तो क्या इफेक्ट होगा, सप्लाई से डिमांड थोड़ी कम है तो क्या इफेक्ट होगा, सप्लाई डिमांड से थोड़ी ज़्यादा है तो क्या इफेक्ट होगा, दोनों ही बराबर बढ़ रहे तो क्या इफेक्ट होगा। ये सब चीज़ें क्या आज आप समझते हैं, नहीं समझते हैं। लेकिन जैसे ही अपना ये जो सिलेबस कंप्लीट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी। फिर जब आप फिर आप शेयर मार्केट की प्राइस पर आप एनालिसिस करें, फिर आप जो है प्याज की प्राइस पर अंडरस्टैंडिंग करें, आप कमोडिटी की प्राइस पर अंडरस्टैंडिंग करें, आपकी प्राइस को लेकर के आपकी समझ क्या हो जाएगी, ब्रॉड हो जाएगी। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्राइस थ्योरी। और प्राइस ही सबसे बड़ी चीज़ है खरीदने वाले के लिए भी, और खरीदने वाले के लिए तो ठीक है, वो तो खरीद रहा है उसको बहुत, खैर उसको भी ऑब्वियसली बात है, जो कोई भी खरीदे तो प्राइस तो मायने रखती ही है, और बेचने वाले के लिए भी प्राइस ही मायने रखती है। क्योंकि यदि चीज़ें सही कीमत में बिकेगी तब तो प्राइस, तब तो फायदा है, और सही कीमत में नहीं बिकेगी तब तो फायदा नहीं है। आज जैसे मान लीजिए आप किसान हैं, आपने बहुत सारी मेहनत की और आपने सोचा कि यार सोयाबीन जो है आएगी, सोयाबीन बिक जाएगी हमारी, है ना, सोयाबीन 3500 रुपये क्विंटल बिक जाएगी। और मान लो कि आपकी सोयाबीन 3500 रुपये क्विंटल का भाव, या उससे भी उतना भाव आपको नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा तो आपको बेचने की इच्छा होगी क्या, नहीं होगी, है ना। या आपको क्या फील होगा कि यार नुकसान हो रहा है, तो मान लो 3500 रुपये ज़्यादा आपको मिलने लग जाए तो फटाफट बेच के आएंगे, है ना, दिवाली के फटाके लिए खरीद के आएंगे। तो प्राइस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो है एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले जो सिलेबस है या जो चैप्टर है या बुक है, इसमें हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। ठीक, हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लियर है आपको? ठीक, तो हम अब शुरुआत करेंगे कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं।